अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं SPO PHP और वायरलेस ऑपरेटर की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैथ के जो क्वेश्चन है ना, वो तीनों के कहीं ना कहीं सेम होने वाले हैं। तो जो सेम पार्ट्स हैं वो बता देता हूँ, बाकी मैं सेपरेट मैथ की वीडियो अलग से बना दूंगा सबके लिए। पहले पॉइंट की जब बात है, पहला पॉइंट हमारा आता है वो कौन से क्वेश्चन आएंगे जो तीनों में कॉमन होंगे? रेशो वाले क्वेश्चन। रेशो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? आपने क्लास 9th में आपने क्वेश्चन किए होंगे आर्ट्स में 3.3 में रेशो वाले क्वेश्चन। अगर आप साइंस में चले जाएं तो क्लास 10th में चैप्टर 3 में 3.3, 3.2 सारे रेशो वाले क्वेश्चन है आया। कंपोनेंट डिविडेंड वगैरह लगाना होता है, रेशो का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड करना, ठीक है? ये यानी रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे लाजमी। तो उसकी आपने शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कंपोनेंट डिविडेंड या बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल क्वेश्चन कैसे जाए 20:2 क्या होगा? 20 ऊपर आएगा, 2 नीचे, कटिंग होगा, आंसर क्या आएगा? 10 आ गया आंसर। सिंपल, रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है। 20:2 आगे डबल रेशियो, फिर आगे 4 डबल रेशियो नहीं, उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। फिर 2 आ गया रेशियो, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? वहाँ सपोज करते हैं एक्स, पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। यानी वो रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि आप एक ग्राफ पेज पे प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम, एट अ टाइम। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये आप लोगों ने कर लेना है। सेकेंड पॉइंट, सीरीज वाले क्वेश्चन 2, 4, 6 नेक्स्ट क्या होगा? 8। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन किया ना मैंने। इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? जो बच्चे पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी का एकेडमिक टेस्ट वर्बल वर्बल की प्रैक्टिस करते हैं, इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले, ठीक है? तो सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वर्बल क्वेश्चन के अंदर होते हैं। वर्बल क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल की किसी भी वेबसाइट पर आप लिखेंगे सीरीज क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, देन वहाँ से आप ये कर सकते हैं कि ओड नंबर आएगा, इवन आएगा, कैसे इन सब चीज़ों को हमने करना है। ये हो गया दोस्तों। थर्ड पॉइंट, अंडर रूट, यानी एक्स 1/x की वैल्यू। एक्स की वैल्यू उसने दे दी आपको 2+√3। 1/x की वैल्यू क्या होगी? हल करने ना बैठ जाना, 2-√3 हो गया, सिर्फ साइन चेंज करना है। एओटा की वैल्यू क्या होगी? इस तरह के जो कॉमन मैथ के क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस में जो सेम होते हैं, जिस तरह एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, और एक्यूट एंगल किसे कहते हैं बताएं, ठीक है? ऐसे चले कमेंट में बताना, पता चले मुझे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, आपने बताना, ठीक है? तो आप जरा कमेंट में बताना, हमें पता चले कि पढ़ते भी हो नहीं पढ़ते। तो ये चीज़ें आपने पढ़ना है, कितने एंगल्स होते हैं राइट, 90 के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, 360 के एंगल को क्या कहते हैं, 180 के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में क्या क्या फ़र्क होता है, ये 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है ना जो आर्ट्स और साइंस के अंदर सेम आते हैं, ठीक है, MCQ टाइप, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और वही आपके SPO वायरलेस ऑपरेटर और दूसरे के अंदर आपके आने हैं, ठीक है? और YouTube पे जाकर सर्च करें सरवकार विद रियल मोटिवेशन, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी वो चैनल को, वो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।